इस मुल्क के अस्करी इदारों में जवानों के लिए जितनी आज तक ट्रेनिंग फिल्म्स बनी है मेरे फौज के लिए, वो सब की सब मेरी बोली हुई है। मेरी ग्रूमिंग है कैरेक्टर रोल्स, कैरेक्टर एक्टर हूँ, मेरी ग्रूमिंग में वही। मेरी शनाख्त जब मेरी अपनी ज़मीन मेरे इस पाकिस्तान में हो जाएगी तो दुनिया भर में हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, यूलैंड के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ अमल चौहान। आज के हमारे मीट द गेस्ट कॉर्नर में जो गेस्ट हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के लिए बेशुमार काम किया है, यही नहीं बल्कि कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, जिन्हें 2016 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं राशिद महमूद साहब। चलें आज उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किस तरह किया और फिर कैसे उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा, इट्स ए प्लेजर फॉर मी कि आज मैं अमल तेरे नाम से, सबसे पहले तो मुझे ये मज़ा आया कि चलो शुक्र मेरे इस मुल्क में फिजिकल इम्प्लीमेंट्स अमल तो दिखता नहीं है, तो किसी बहाने मुझे अपने इस यूथ की ये बची इस इंटरव्यू में अमल के नाम से मिली है, तो मेरे लिए ये भी एक प्लेजर का बाइस है। जी मेरा बच्चा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आज टाइम निकाला है। देखो बेटा, इट्स ए पार्ट ऑफ गेम, जो मेरा शोभा उसके लिए है, तो जहाँ मुझे कंपिटेंट टीम दिखती है, यहाँ जिस रेफरेंस से मैं आया वो मेरा बड़ा लाडला है, अल्लाह वाला है वो, और वो सारी टीम उनकी जो है, मैं उनका वॉलंटियर हूँ, मैं उनके उस प्रोजेक्ट का वॉलंटियर हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा तो मैं आँखें बंद करके आ गया, नो प्रॉब्लम। सर सबसे पहले तो हम सब जानना चाहेंगे कि आपने अपने करियर का आगाज़ किस तरह से किया, कि आपको बचपन से एक्टिंग का शौक था, आपने सोचा हुआ था कि मैंने टीवी इंडस्ट्री में जाना है, इस फील्ड को चूज़ करना है। देखो अब मैं बड़ी सख्त बातें करने लगा हूँ, तेरे बाबा जो हैं, तेरे पापा जो हैं, उनकी उम्र 61 बरस ज़्यादा से ज़्यादा होगी, बहुत भी ज़्यादा होगी जी। तो वो मैंने जब ये काम शुरू किया, तेरे बाबा अगर 60 साल के तो तब उनकी पैदाइश भी नहीं हुई, तो बहुत बात की है। नाउ आई एम 70+, पूरा मुल्क बल्कि दुनिया भर शनासा के इस 4 जून को मेरी मुख्तलिफ फोरम्स पे 74वीं सालगिरह, मैंने बड़ा मना किया अपने दोस्तों को, शोबिज के दानश्वरों से और जितनी मेरी कम्युनिटी के, बस यार अगर फरिश्ता भूल गया तो तुम क्यों बार बार उसे याद करा रहे हो, बस कर दो। लेकिन 6-7 इस तरह के इवेंट जो है मुख्तलिफ हुए, तो एक ब्लेसिंग है, एक मोहब्बत जो है वो उसका इजहार होता है। तो बेटी मेरा 10 बरस का भी अभी नहीं था, मैं 10 बरस से भी कुछ महीने उम्र मेरी कम थी, मैं और इरफान खूसट एक लिविंग लेजेंड है मेरे मुल्क का, बहुत बड़ा नाम है, हम दोनों ने उस उम्र में रेडियो पाकिस्तान से हमारा आगाज़ हुआ। रेडियो पाकिस्तान ये जो अब जिसमें आपका भी यकीनन जाना हुआ होगा कई बार, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो 65 में अयूब खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, शिमला पहाड़ी गवर्नर हाउस की बैक पे एक छोटा सा एक घर में रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ करता था, मेरा आगाज़ वहाँ से। और सबसे पहला जो ज़िंदगी का पहला कदम था वो भी ड्रामे में, मैंने ऑडिशन दी थी पहली बार में मैं अप्रूव हो गया, और सबसे पहला जो मुझे ऑन एयर काम का मौका मिला उस एज ए चाइल्ड, वो भी ड्रामा ही था। और बड़ी मज़े की बात है, ब्लेसिंग जब किसी की ज़िंदगी में अल्लाह ने रखी होती है ना, तो पहले कदम पे साफ शुरू हो जाती है। वो ड्रामा बानो आपा का लिखा हुआ था, रेडियो पे लिखा उन्होंने कल्लो, जो बाद में कुछ 36-37-38 बरस बाद पीटीवी पे के लिए लिखा उन्होंने, अयूब खावर ने किया और मारिया बास्ती ने उसमें कल्लो का रोल किया था। अब उस ड्रामे में था कौन कौन, तारक अजीज 23-24 बरस के एक नौजवान यंग मैन थे, वो उसके लीड से हीरो थे, और आपा मोहनी हमीद, ये कमल नसीर की अम्माला, दोनों को गरीके रहमत करे, तारिक साहब को भी। तो वो जो बचपन का तारक अजीज साहब वाला पार्ट था वो मैंने किया था,
तो सो एक ब्लेसिंग तो मेरे साथ आगाज पहले कदम में इतने बड़े नामों की हुई, तो मेरा आगाज जो है वो रेडियो से। फिर उसके बाद रेडियो पे जो जो उम्र बढ़ती चली गई, ऑडियोग्राफी की जितनी भी असनाफ टोटल जितनी है, कंपेयरिंग है, अनाउंसमेंट है, कमर्शियल वॉइस है, नरेशन है, डॉक्यूमेंट्री, सब पे मैंने काम किया। इस मुल्क के अस्करी इदारों में जवानों के लिए जितनी आज तक ट्रेनिंग फिल्म्स बनी है मेरे फौज के लिए, वो सब की सब मेरी बोली हुई है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज जो मेरी बोली हुई है, पाकिस्तान टेलीविज़न पे 70 शहरों की बायोग्राफी जो है सारी की सारी, मैं उसमें होस्ट भी था, पर मैं साथ उसकी मुख्तलिफ जो मसलन अगर कसूर किया तो वहाँ बुल्ले शाह का तस्करा तो आएगा, तो बुल्ले शाह का तस्करा आएगा तो बुल्ले शाह का कुछ बायोग्राफी और कुछ उनका कलाम भी, तो मैं जिस जिस टिंच में जिस जिस लैंग्वेज में होता था मैं उन प्रोग्रामों में उस जबान ही में वो सारा करता था। फिर मैं कमर्शियल वॉइस भी रहा हूँ, आज भी बेशुमार मेरी 50-50 बरस पहले के बोले हुए स्लोगन से जो आज भी रेडियो और मुख्तलिफ जगहों पर, अब वो दुम जो है वो उसका सम जो मेरा बोला हुआ अब उसमें वक्त के साथ साथ वो चेंज, तो इस तरह ये रहा। उस मीडियम ने मुझे लफ्ज़ों की हुरमत से आशनाई दी, और जब अल्लाह मियाँ किसी को लफ्ज़ों की हुरमत से आशना करता तो लफ्ज़ों का हुनर भी अता हो जाता है। इस तरह मेरा आगाज़ जो है वो रेडियो से हुआ। फिर उसके बाद आगे लंबा सफ़र है एक, उसके बाद फिर स्टेज का, उम्र ना बच्चा रहा ना बड़ा, स्कूल ब्रॉडकास्ट आ गया, यानी जितनी भी ऑडियोग्राफी के सनात थी सब पे मैंने काम किया। स्टेज जब था वो किया, फिर उसके बाद टीवी, फिर उसके बाद फिल्म। अब तुम अपना सवाल बताओ उस हिसाब से अगली बातें तब करते हैं। सर अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है, मेरा खुद का भी ये मुझे भी लगता है ऐसा, कई लोग कहते हैं कि आपकी शक्ल जो है वो इंडियन टीवी एक्टर जो हैं शक्ति कपूर उनसे बहुत मिलती है, आपको लगता है ऐसा? अरे बहुत बाद में है, वो पैदा भी नहीं हुआ होगा जब से मैं काम कर रहा हूँ, उसकी शक्ल मुझसे मिलती है, मेरी उससे नहीं मिलती है। वो तो तब था भी नहीं जब से मैं इस मुल्क में काम कर रहा हूँ, रेडियो से मेरा आगाज़ हुआ, स्टेज से हुआ, टेलीविज़न पर मैं 80s में आया हूँ उससे पहले, लेकिन ड्रामा जो है वो तो मेरा रेडियो पे भी लोग सुनते थे, मेरी आवाज़ मेरे उससे पहचानते थे। तो शक्ति कपूर वो है, क्यों विजुअल है लोग कहते हैं। सर आपको लगता है कैसा है आपकी और उनकी रिजेम्बलेंस है थोड़ी सी? कुछ देखो नकुश कुछ मेरे जवानी के जो हैं वो उस तरह के थे, तो वो होता है, वो तो अल्लाह के काम है ना अगर कोई विजुअल किसी से थोड़ा सा रिजेम्बल, लेकिन मैंने जो मैंने किया वो शक्ति कपूर के नसीब में भी नहीं होगा। वो मखौलिया पाठ करते रहे, मैंने किरदार किए हैं, एक नहीं किए बेशुमार किए हुए इस मुल्क में, मेरे पे मेनोटनी का एलिगेशन आज तक नहीं लगा। कोई जो एक मैंने रोल किया कोई उंगली नहीं रख पाएगा आज तक जितने मैंने किरदार किए। ये उस मेरे बड़ों की जिनसे मैं सीखा, मैंने जिनको साथ रह के जिनके साथ मैं ग्रूम हुआ हुआ, ये सारे के सारे उनकी ब्लेसिंग और मोहब्बतें हैं जिसने मुझे ग्रूम किया। ये ज़रूर है कि मैंने नेगेटिव रोल ज़्यादा किए। सर मैं यही सवाल आपसे करने लगी थी कि नेगेटिव रोल जो है, मुझे ऐसे लगता है, अब ये आप बेहतर बता सकते हैं, कि जो मेन करेक्टर है और एक पॉजिटिव रोल है उससे कई ज़्यादा मुश्किल होता है नेगेटिव रोल को। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, मेरा स्कूल जो मेरी ग्रूमिंग हुई ना उसमें ना तो मैं कभी मेरे दिल दिमाग में हीरो रहा ना विलन रहा, मेरी ग्रूमिंग है करेक्टर रोल्स, करेक्टर एक्टर हूँ मेरी ग्रूमिंग में वही। और मैंने जब पहला शाहीन में बादशाह किया था तो जो मेरी मलका बनी थी उसकी उम्र उस वक्त मेरी अम्मी के बराबर थी, और मेरे गेटअप में मैं बादशाह बना, मैंने उंगली नहीं रखने दी थी किसी को कि नहीं ये मेरी ही मलका। तो मैंने नेगेटिव जो है ना बहुत नेगेटिव रोल जो होता है ना, अब हीरो जो है वो तो कोई भी क्यूट सा बच्चा खड़ा कर दो तो वो हीरो बन जाए, क्योंकि हीरो कोई रोल नहीं होता, मैं नहीं उसको कंसिडर, रोल होता है करेक्टर रोल्स होते हैं नेगेटिव, उसमें आपके पास वेरिएशन के ज़्यादा चांस होते। सबसे पहले मैंने नेगेटिव रोल तो बादशाह का किया, बादशाह लगा ना, मान लिया ना लोगों ने, वो दिन आज का दिन ना, मैंने वो मांगा था वो भी अल्लाह मियाँ ने दिया, आज तक आप मुझे स्क्रीन से कभी ऑफ नहीं। उसके बाद फौरी तौर पर दूसरा जो मेरा
दो ढाई महीने के बाद दूसरा सीरियल कराची से मुझे मिला, वो था दीवारें, इंटीरियर सिंध की कहानी। अब मेरे बाप दादा में से भी कभी उधर इंटीरियर सिंध में नहीं गया हुआ था, तो मैंने उसमें एक पथारीदार जो बदमाश होता है, चोरों रसागीरों का हेड होता है, और उसकी कहीं भी अगर पूरे उनके प्रोविंस में चोरी होती तो वो उसकी एफिलेशन में और उसको पता होता कहाँ, और अगर वो चाहे तो वो चोरी वापस हो जाती। उस पथारीदार करीम दास का रोल किया वो भी, तो ये एक ब्लेसिंग है मेरे साथ कि हर बार एक प्रिविलेज ज़रूर मुझे रही दूसरे लोगों के मुकाबले में, कि राइटर्स जो थे वो जब कुछ लिखते थे तो मेरा रोल जो होता था वो कहते मुझे, मोस्टली मेरे उन सब बड़ों ने जिन्होंने लिखा रही, उन्होंने कहा कि यार हमने तुझे जहन में रख के ये नेगेटिव रोल लिखा था, तो ये एक ब्लेसिंग मुझे रही और मैं फिर उसमें करता रहा सारे का। लेकिन इस नेगेटिव रोलों के साथ साथ मैंने इस मुल्क में सुभानी भाई यूनुस और मोहम्मद कवी खान साहब के बाद तीसरा फर्द मैं हूँ जिसने मिर्ज़ा गालिब का रोल भी किया, और अब जो गालिब डे होता तो मेरे वाला चलता क्योंकि वो एक कम्पैक्ट ड्यूरेशन का, बकिया एक तो सीरियल से। फिर इसी मुल्क में मैंने वो सागर सिद्दीकी की बहुत बड़ा एक पोइट अमेरिकन टीम ने आके यहाँ एक फिल्म बनाई थी, मैंने उसमें सागर सिद्दीकी का रोल भी किया, और इसी तरह फिर अब कुछ अरसे से मेरे नेगेटिव रोल भी होते, लेकिन अब मैं भले वाला अब्बा भी होता हूँ, सिर्फ बुरे वाला जागीरदार ही नहीं होता। कैरेक्टर रोल जो होता है ना उसमें पैथेटिक रोल भी आपके पास आते। मुझे एक कभी कभी मुझसे कहते कि आपको हर बार ये नेगेटिव रोल क्यों, जिसने भी लिखा किसी भी कल्चर का लिखा तो आपको कि ये राशन ले से करवाओ कर, तो मैंने कहा मुझे ये फील हुआ कि मेरे व्यूअर जो हैं उनको ये भला दरवेश बाबा जो है ना ये बुरे काम स्क्रीन पे करता हुआ अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे लेते थे। सर यहीं से मैं एक बात, आपको मैंने सोशल मीडिया पे और वैसे भी यूथ के लिए काम करते हुए देखा है, सोशल वर्क करते हुए देखा है बहुत ज़्यादा। सर ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे आया, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री के लोग आई फील इट थोड़ा लिटिल बिट प्राउड ही होते हैं। नहीं मैं नहीं, मैं बड़ा दरवेश आदमी हूँ। मैं सबसे पहले इसका सबूत तुम्हें देता हूँ, अमेरिका आज भी मेरी यूथ का, हमारे बड़ों का, सबका ख्वाब है कि हम किसी तरह अमेरिका चले जाएं। 46 बरस पहले ये मेरा रेडियो का दौर था, एक इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का, अकमल अलीमी साहब वॉइस ऑफ अमेरिका में हुआ करते थे, मेरे अब्बा के दोस्तों में से थे। उनके इल्म में था कि मैं ब्रॉडकास्टिंग में, लोग मुझे पसंद भी करते थे, और मैं सारे, उन्होंने मेरे अब्बा से कहा कि यार इससे पूछो इसको मैं यहाँ बुलाता हूँ। मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि भाई वो उनका आया था, तो मैं कह जी मैं बताऊँगा आपको, मैं ज़रा मुझे सोचने दें। चार पाँच दिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया उनको। मेरे बाबा ने फिर मुझे कुछ चार पाँच दिन के बाद कि यार उनका फ़ोन आया था, पूछो तुमने बताया नहीं। तो मैंने अपने बाबा से कहा कि नहीं बाबा मुझे नहीं जाना, तो उनके लिए बड़ा हैरानगी का जेस्चर था कि अरे ये तो ख्वाब है लोगों को, ये कह रहा मुझे नहीं जाना। कह लगे क्यों, तब मेरा टीवी पे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ हुआ था, तब तक मैं सिर्फ ब्रॉडकास्टर एस्टैब्लिश। तो कह लगे क्यों नहीं जाना, मैंने कहा बाबा मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए, मेरी शनाख्त जब मेरी अपनी ज़मीन मेरे इस पाकिस्तान में हो जाएगी तो दुनिया भर में हो जाएगी। अब मैं अपने घर में बैठ के स्काइप पे अमेरिकन मुख्तलिफ चैनल्स हैं उनसे भी बातें करता हूँ, मैं इंग्लैंड में भी करता हूँ, मैं और यूएई में भी करता हूँ, मैं और दुनिया के, तो मुझे अपनी ज़मीन से बड़ा प्यार है, मुझे फ़ख्र है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। सारी दुनिया में मेरे फ़ैन हैं, हमारे पड़ोस में मेरे ऐसे ऐसे नामवर लोग जो मेरे फ़ैन हैं, मेरे दोस्त हैं। तो मेरा कुछ करिश्मा जो है ना, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपनी अकदार, अपने लोग, उनसे पाकिस्तानी। लेकिन कभी कभी मैं फिर पाकिस्तान में इसमें रह के ये सारा कुछ करके भी जो फिर कुछ कलेजे में ऐसी तकलीफ़ें भी हैं कि यार ये मैं चला ही गया, लेकिन मैं उस पर मुझे अफसोस नहीं है। मुझे इस मुल्क में शनाख्त मिली, मेरे रब ने डिग्निटी वकार से सारा कुछ दिया मुझे, मेरे रब ने रिस्क की कभी नहीं, कभी भूखा नहीं सोया, ना मेरे बच्चे जितने थे पढ़े लिखे अपने अपने सब चले गए। एक मेरा बेटा अल्लाह मियाँ के पास चले गया, वो मेरे कलेजे में एक है, मास्टर्स किया उसने, 26 बरस उसकी उम्र, गोल्ड मेडलों से।
कतर एयरवेज पे बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे दोहा एयरपोर्ट पे 26 बरस उसकी उम्र है, 5 मेडलों से उसने मास्टर्स किए थे, आज वो नहीं है। तो सो फैक्ट्स बिलीवर रहा हूँ मैं वो भी बर्दाश्त कर गया कुछ महीने तो मेरे, फिर मुझे फील हुआ कि यार औलादे जो है ये तो पेरेंट्स के पास अल्लाह मियाँ की अमानतें होती हैं, तो अमानत जो होती है उस पर राइट्स नहीं होते, उस पर ड्यूटी होती है केयरिंग की, वो तो अल्लाह की अमानत है। अमानत जब आपके पास कोई जमा करा के गया तो जब वो वापस मांगेगा तो उसको एज इट इज मिलनी चाहिए, तो मैंने केयरिंग की, तो इस तरह से कुछ है। लेकिन ये कुछ ज़िंदगी के इस तरह के भी इवेंट है जो मेरे मसलन कहीं को ड्रामा ऐसा आया जिसमें तो मैंने अगर मेरी आंखों से आंसू निकले तो जो बैठा मुझे देख रहा मुझसे ज़्यादा उसके भी निकले, क्योंकि मैं ज़िंदगी की उन सारे बेलनों से निकला हुआ हूँ। मैं आज भी जब कोई काम करता हूँ तो पूरा होमवर्क करके करता हूँ, आंखें बंद करके नहीं चल पड़ता, उसके इन आउट जो है उसको अपने तौर पर पढ़ता हूँ, पूछ लेता हूँ। आज भी कोई चीज़ मुझे समझ ना आए, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे पता लगे कि भी अमल जो है ये मुझे बता सकते हो, मैं तुझसे पूछ, मेरी शान नहीं घटती, लोगों की शान घटी मोनी, मैं आज भी सीखने के अमल में हूँ, तो अल्लाह ने मुझे सारा कुछ दे दिया। इस तरह ज़िंदगी एक भरम जो है वो चल रहा है इंशाल्लाह। सर आपने इतने ज़्यादा रोल्स किए हैं, कोई एक रोल जो आपका ऑल टाइम अब तक स्टिल फेवरेट रहा हो, जिसे करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत चैलेंजिंग रोल हो वो आपका? बेटा मुझे चैलेंज के बगैर तो किसी ने सादा रोल तो दिया ही नहीं ना, लाची सुपारी वाला पान नहीं मिला, उसमें गुटकी और सारा कुछ डाल के कहा कि चलो राशिद ये मुँह में डाल के अब करो, मुझे आसान रोल कभी नहीं मिला, नेवर। बादशाह से लेके इस ये जो अभी मेरा एक सीरियल एक चैनल पे चल रहा था उसमें जो है वो भी एक नेगेटिव एक सरदार का रोल और साला पैरालाइज भी, मुझे हर बार इम्तहान देना पड़ा, लेकिन मैं ऐसा ब्लेस्ड अल्लाह के फजल करम से कि वो ऐसा मुझ पर कर्म रखता है कि वही जो है, तो मुझे मेरे पास दोस्त कहते हो तुझे तो सादा सा भी रोल दो तो उसको इस कदर कम्प्लिकेटेड के लोगों को सेंटर हो जाता, तो ये है मैं करता हूँ ऐसा, इसमें कोई शक नहीं है। सर आप जब फ्री होते हैं, जब आपको कोई फारिक टाइम मिलता है आपके लिए, जिसे आजकल की यूथ मी टाइम कहती है, आप उस वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? मैं अपने घर में, वो तेरी आंटी जो है ना, बिल्कुल तेरी आंटी के ये साना अभी को 50 बरस पहले का कोई नया नहीं है, बहुत सारे अटैक हुए मेरे इस अपने शोबे के स्टेनोर के दौरान, तो मेरा बेटा जिसको कहते हैं ना कि मेरा काम ही मेरा महबूब है, मेरा काम ही मेरा महबूब है, और मेरे बच्चों की माँ जो है वो अभी सफ़ेद बाल है उसके, मेरे लिए आज मैं फर्नांडो हूँ वो मेरी अज़ा बीला है और मैं उसी तरह खुश हूँ, वही है सारे का सारा। मैं फैक्ट्स बिलीवर हूँ, ख्वाब देखने पे दुनिया में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ख्वाब भी आप उतना देखो जिसकी ताबीर आप निकाल सको। अल्लाह मियाँ को और भी बड़े काम है, कोई मेरे पाकिस्तान का ठेका नहीं ले रखा, हमें खुद भी तो कुछ करना ना कि अल्लाह मियाँ कर देगा, हमें खुद भी कुछ करना, हम खुद नहीं कर रहे और सारा कुछ अल्लाह मियाँ पे डाला, नहीं आपको खुद भी तो अमल करने हैं। तो मैं उतने ही ख्वाब देखता हूँ जिसको मैं सोचता हूँ कि मैं इसकी ताबीर शायद कर सकता हूँ। सर आपने आज यूलर्न का ऑफिस विजिट किया, आपने देखा यूलर्न एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है बेटा, मुझे मेरा दिल खुश हो गया। देखो सबसे पहला एक प्लस पॉइंट जो मेरी यूथ में इस वक्त जो मैं असेस किया, मैं चूँकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एज ए स्पीकर भी जाता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, मेरी बातों को भी सुनते हैं, और मेरा को पर्टिकुलर किसी एक यूनिवर्सिटी में सारी यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता हूँ और मैं जाता हूँ, बच्चे मेरी बात को भी सुनते हैं। मैं असल में उर्दू बाजार के जो दानिश्वर हैं उन पर बिलीव नहीं करता। सर जो हमारी यूथ है आप उसको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन बच्चों से सिर्फ ये कहूँगा कि देखो अब तो बड़ी आसानियाँ आ गई आपके पास, वाइड एंगल हो गया ना, हम तो किताब ढूंढा करते थे, 3-4 किताबें थी, दुकानें थी माल रोड पे, अब उधर में कहीं जूतों की दुकान में फिरोज समझ गया, सब इतना बड़ा कंसर्न जा खत्म हो चुका, इसी तरह और थे मिर्जापुर के एजेंसी थी बिल्कुल खत्म हो गया, अब स्टोर सब कुछ ऑनलाइन आ गया, तो ये एक आसानियाँ इस कदर वाइड होगी। मेरी अपने बच्चों से अपनी यूथ से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि देखो बेटा तुम जब अपनी
स्किल डिस्कवर करते हो तो फिर एक रूट बनाते हो कि मुझे मास कम्युनिकेशन में ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे करो उसको। सारी डिग्रियां यहाँ भी लो, उसके बाद अगर तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं तो अब्रॉड में भी जाओ और सारी की सारी आउटस्टैंडिंग मास्टर्स करके, लेकिन उसके बाद वापस अपने मुल्क में आओ। आपकी वो सारी स्किल, वो सारी डिग्रियां और वो सारी जो एक मल्टीप्लाई तुम्हारी वो स्किल हुई, उससे अपने मुल्क को फायदा, अपने मुल्क में इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि जो इकोनॉमिकल इंसेंटिव वहाँ मिलने वो तुम्हें यहाँ भी मिल जाएंगे। जब तुम अपनी स्किल को लेकर यहाँ ले करते नहीं हैं लोग, तो अपनी ज़मीन से जुड़ के रहना, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ आपकी शनाख्त, आपकी जन्मभूमि पाकिस्तान है। यही कहता हूँ मैं अपने बच्चों से। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हम लोगों के लिए टाइम निकाला और आज इन हमारी यूथ से, हम लोगों से गुफ्तगू की। अब आपकी लाइफ के बारे में वो चीज़ें पता चली होंगी, क्योंकि जो पब्लिक फिगर होते हैं ना उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो गूगल ने भी लिखी होती हैं वैसे भी, तो रियलिटी तभी पता चलती है जब जो वो अपने मुंह से आके बताते हैं। तो आज बहुत से लोगों को आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जानते तो पहले भी हैं आपको। बहुत शुक्रिया बेटा आपका भी, आपने मुझे बुलाया और बड़ी हमने मज़े की, बड़े फैक्ट्स जो थे वो डिस्कस किए आज। मोस्टली लोगों को पता है मेरे बारे में, बड़ी खुली किताब हूँ मैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती जो शायद पहले नहीं हमने की होती, तो आज वो भी कर ली। तो थैंक यू वेरी मच तेरे इस चैनल को और तेरे इस कंसर्न का। जिस दिन मैं आके मैंने सारा विज़िट किया तो मुझे अच्छा लगा कि जो मिशन आपका ये कंसर्न कर रहा है, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि मेरी यूथ उससे जुड़ेगी तो उनको सर बस हमारा एक ही मोटिव है कि बच्चों को एजुकेशन मिल सके। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ हम सर से इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। अमल चौहान को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।